शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन है। दिन वार तो सबको याद रहते ही है। सतगुरुवार के दिन सब मिल करके बाप को भोग लगाते हैं। भोग तो वैसे सदा लगता ही रहता है भोजन का, फिर भी ये सवेरे सवेरे क्लास के समय जब सब मिलके बाबा की मुरली सुनते हैं, उसी समय सवेरे सवेरे पहले बाबा को भोग लगाते हैं और फिर दिन भर में अलग अलग समय पर खाते रहते हैं। तो आज हम सब बाबा को बड़े प्यार से निमित्त तो एक संदेशी बहन वतन में जाएंगी, वो वतन में जाए और हम उन्हीं यादों में ऐसे रहें जैसे हम बाप को देख रहे हैं। संदेशी भोग लगा रही है और बाबा बड़े प्रेम से कैसे उसको स्वीकार करते हैं। आज बाप दादा ने हम ईश्वरी सेवा पर उपस्थित है कर रहे हैं ना, हम सेवा जो बाबा हमें सुनाते हैं वो हमें सबको सुनाना है, समझाना है अच्छी रीत से। यही सेवा बाबा ने हम बच्चों को दी है। आज बाबा ने सच्ची सच्ची सेवा, बच्चे अभी तो हम यूज्ड हो गए ना इसी सेवा के लिए, ये हमारे लिए रोज की हो गई। अब उसमें बाबा ने सच्ची सेवा कौन सी है, आज बाबा ने उसका दूसरा अर्थ सुनाया है। आता है किसको, क्या बताया होगा बाबा ने, हा? सुनी है मुरली? नहीं भाई, आपका आवाज तो मेरे को नहीं सुनाई पड़ता है। बाबा ने कहा है अपने को ऐसा आईना बनाओ, जब सेवा करो चाहे मुख से करो चाहे दृष्टि से करो, और जब सेवा करो तो ऐसा आपका चेहरा आईना बना हुआ हो जो आईने में कौन दिखाई पड़े, कौन दिखाई पड़े, बाप उनों को जिसकी सेवा करो जो तुम्हारे सामने आवे उसको बाप दिखाई पड़े। सच्ची सच्ची सेवा यही है। तो समझ गए ना हम, वर्तमान समय हमें अपनी स्टेज कैसी बनानी है। वैसे तो हम सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु पुरुषार्थ भी समय समय पर अपनी रिजल्ट दिखाए कहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा भी हमें समय समय पर तीव्र पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न विधियाँ बताते हैं। अभी के समय अनुसार जब के हम अंतिम घड़ियों के नज़दीक पहुँचे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं नज़दीक, पहुँचे हैं, पहुँचे हैं। सभी के हाथ नहीं उठते, उठने चाहिए। तो हम अभी उसी अंतिम घड़ियों अर्थात अंतिम घड़ी अर्थात विश्व के परिवर्तन के अंतिम घड़ियों पर नज़दीक पहुँचे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बस इतनी देरी है, जब ये आप इस प्रकार की सच्ची सेवा करेंगे तो परिवर्तन देखो एकदम जल्दी जल्दी होता जाएगा। अच्छा, आज अकाउंट के लिए जो टीचर्स मैंने आई है जरा हाथ उठाना। आज भी सब नहीं पहुंचे हैं या क्लास में सभी नहीं पहुंचे हैं, हाथ उठाओ। कर्नाटक की टीचर्स कितनी है, कल तो बहुत क्लास में थी।
और कह रही है क्या? आने का कल मुझे बताया, आई तो परसों से है कुछ कुछ, फिर जब कल मैंने पूछा तो कहा कल आने का कल बताया, आ जाने का दिन है, अजन आ जाने का दिन है, तो ये वही होंगी जो परसों पहुंची है। मैंने कहा पहुंच गई हो तो सबका वेलकम करें, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। एक ही खाली कर्नाटक है क्या? एक ही कर्नाटक बड़ा है। चलो जो भी पहुंचे हैं, अच्छा आज बाप दादा बोले रफ्तार जरा तेज करूं भले, हाँ मुरलियां तो बल रिवाइज है, अभी 2-3 दिन से बाबा विशेष कौन सी बात विशेष बार बार हम बच्चों के ध्यान पे ले आ रही है, हाँ? जब बाप आते हैं तो बाप को रचना रचनी है, रचना रचने के लिए बाप को तो हम बाप कहते हैं, पिता कहते हैं, पिता को माता जरूर चाहिए, तो बाप ने माता कौन सी ली, कौन सी माता बनाई, हाँ? कौन सी माता बनाई? सबका एक ही जवाब है, ब्रह्मा बाबा तो बाप है, हम तो बाबा बोलते हैं, शिव बाबा को दादा बोलते हैं, तो ब्रह्मा बाबा तो बाप है, तो बाबा ये बातें जो दुनिया नहीं जानती है, जो जिसका रंग गाया हुआ है भगवान का अंत नहीं पा सकते, अपना भेद वो खुद ही बताता है, मैं कौन हूँ, किस रूप में आता हूँ, कब आता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारा भेद शास्त्रों में भिन्न भिन्न बातों से ऐसे लिखा है जो मनुष्यों ने 24 अवतार कच्छ मच्छ 12 अवतार सब भगवान लेते हैं, देखो भगवान को क्या बना दिया। तो आज 2-3 दिनों से याद है ना बाबा, इसी बात को बार बार हम बच्चों को समझा रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए ये बात जानना और मानना सहज नहीं है। आज बाप दादा बोले मीठे बच्चे तुम्हें अंत तक यह मीठी नाते, इस नॉलेज से हम मीठे बन जाते हैं ना, यह मीठी नॉलेज सुनते रहना अंत तक, जब तक शरीर है जब तक श्वास है तब तक ये नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना भी है और योग भी सीखना है। अच्छा आज का प्रश्न, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के लिए निमित्त बने हुए हो, अपने पास जवाब निकालना। जैसे बाप विश्व को लिबरेट करते हैं, सभी पर ब्लेस करते हैं, ये बात ध्यान देने योग्य है, विश्व को लिबरेट करते हैं, लिबरेट करने के लिए सभी पर ब्लेस करते हैं, पीस मेकर बन करके पीस स्थापन करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी बाप के साथ इसी सेवा के निमित्त हो, तुम हो सेल्वेशन आर्मी, तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करना है और 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा, एक तरफ संपत्तिवान बनाओ, दूसरी तरफ ये दुनिया का भारत का बेरा, कहेंगे भारत का क्योंकि विश्व भारती था, बेरा पार करना है, सबको संपत्तिवान बनाना है 21 जन्मों के लिए,
ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। और हम बच्चे क्या कहेंगे, ऐसी सेवा बाप के सिवाय कोई नहीं कर सकते हैं, और बाप ने हमें भी वही सेवा सिखाई है। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं, और गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है, सन शोज फादर, सन शोज फादर एंड मदर। जबकि बाप बच्चों को रचता है, जब तक बच्चों को रचा नहीं है तो बाप को, तो बाप को, बाप बच्चों को सिखलावे कैसे कि ये तुम्हारा माता पिता है। बाप ही बताता है ना कौन है तुम्हारे माता पिता। बच्चे ये सीख करके कौन है हमारे माता पिता, और फिर जो नॉलेज सिखाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये सीख कर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही गाया जाता है स्टूडेंट शोज टीचर, जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट शोज टीचर होता है ना, जब पढ़ाते हैं तभी तो फिर वो शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको ऐसा बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर पढ़ावे नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे। वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाते हैं तब फॉलोअर्स कहते हैं कि गुरु से मुझे ये मिला है। अब ये बाप, बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वैसे तो बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। कोई कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो पढ़ाई में सब्जेक्ट्स तो बहुत है। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर कोई सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, फिर सब्जेक्ट्स के, हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर होते हैं। ये तो एक ही बाप, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जब तक बच्चों को अपना न बनाए तब तक शो निकाल नहीं सकते कि हम किसके, फलाने के बच्चे हैं। हम उनके ही मिल्कियत के अधिकारी भी हैं। तो पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने बाप को अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। जानते हैं हम सभी फादर का शो कैसे करना है। जो फादर कहे पूर्ण रूप से मानते हुए करते चले। हम तो ईश्वर के औलाद प्रैक्टिकल है। देखो बाबा कहते हैं ये हम बच्चों को नशा सदा रहना चाहिए। हम तो प्रैक्टिकल में ईश्वर की औलाद है। यूं तो भले हर एक कहते हैं, समझते हैं हम तो भगवान के बच्चे हैं, ओ गॉड फादर भी कह करके याद करते हैं, परंतु अगर फादर कहा जाता है तो मदर भी तो याद आनी चाहिए। गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब फादर ने आकर के तुम बच्चों को समझाया है तुम्हारे मात पिता कौन है। हम है तुम्हारे मात पिता। और बाप कहते हैं तुम बच्चे भी जान गए हो कि ये हमारे बेहद के मात पिता हैं। वही फादर बैठ करके पढ़ाते हैं। किसके द्वारा पढ़ाता है, फिर तो ऐसे कहेंगे ना माता के द्वारा पढ़ाता है। सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का राज बाप बैठे तुम्हें बताते हैं।
जब समझाते हैं, जब बाप बच्चों को समझाते हैं, तब फिर बच्चे औरों को समझाते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती केवल इस समय है, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी है। अभी वर्ल्ड का चक्कर पूरा हो रहा है, कलयुग अर्थात पुराना पूरा हुआ और नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। अब ये नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट्स को बताते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वो तो बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, और वो ये टीचर तुम्हारा सुप्रीम है। नई दुनिया नया युग बनाने वाला, जब इस सृष्टि पर नया युग था तो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। वही विश्व के मालिक थे। वे कौन थे, कौन थे वो विश्व के मालिक, बोलो, चढ़ता है नशा। हम वो ही गुप्त वेश में है जो हमें फिर से बाप विश्व के मालिक बना रहे हैं। कौन थे वो भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं? भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। उस समय कोई भी दुनिया में पार्टीशन आदि नहीं था। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी सब एक ही, जिस कारण भारत कहा जाता था और देवताएं भारत के मालिक थे। विश्व के रचता की जयंती व बर्थ भी तो यहाँ ही भारत में ही तो शिव जयंती मनाते हैं। बाप कहते हैं, परंतु मैं तो पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। आत्मा तो कहती है, मैं एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हूँ। वह पापात्मा से फिर अब मैं पुण्यात्मा बन रही हूँ। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे जानते भी हो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं, जिसके 84 जन्म मैक्सिमम माने गए हैं। अभी इस नॉलेज को जो बाप हमें स्पष्ट समझा रहे हैं हर बात, इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती है। बाप ही आकर के हमें समझाते हैं, इसलिए बाप को ही नॉलेजफुल और साथ साथ ब्लिसफुल भी गाया गया है। सारी विश्व को ब्लिस देते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं, मैं कैसे आकर के बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस आकर के स्थापन करता हूँ, और साथ साथ और क्या करता है, साथ में सावरंटी भी स्थापन करता हूँ। बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो इस समय भारत कितना इंसॉल्वेंट बन गया है, तो ये भारत है बेहद के बाप की बर्थ प्लेस। परंतु आज के मनुष्य तो समझते ही नहीं है। देखो शिवनाथ सोमनाथ का मंदिर भी तो भारत में ही बना हुआ है, वहां ही तो ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये सब बातें बच्चों को
परमात्मा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। बाकी परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप नहीं है, है तो वास्तव में स्टार जैसा छोटा सा रूप। बाबा बता रहे हैं, देखो गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्रार्थ सुनाते हैं, वे फिर औरों को सुनाते रहते हैं और कहेंगे गुरु ने हमको ये शास्त्रार्थ सिखाए हैं। देखो बनारस में जाकर के ये सब शास्त्र पढ़ना और सुनाना सीखते हैं। अब ये तो तुम बच्चे जानते हैं, हमारा सुप्रीम गुरु भी वो ही है जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सर्वशक्तिमान बाप ही तो चाहिए, क्योंकि माया भी कोई कम नहीं है, माया भी सर्वशक्ति बाप सर्वशक्तिमान है और माया सर्वशक्तिमान है। हम तो कहेंगे शक्तिमान कहे तो भी ठीक है, सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे, परंतु वो भी सारी विश्व को तो वो बना देती है ना, अपने वश में कर लेती है। बाबा देखो माया को बरोबर टाइटल देते हैं, माया भी सर्व में व्यापक है, सर्व में बाप व्यापक नहीं है। बाप तो पुनर्जन्म रहते हैं, परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, मनुष्य पुनर्जन्म लेते रहते हैं। परमात्मा पुनर्जन्म भी नहीं लेते हैं तो भी मानते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। देखो ये सर्वव्यापी कहना कितनी गाली देना है, जब जब ऐसी धर्म गिलानी करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं। बाप कहते हैं तब ही मैं आता हूँ, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये तो बेहक का बाप जो बाप भी है टीचर भी है और सतगुरु भी है, सभी को आकर के पतित से पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं ये सब वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण आदि ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, ये भक्ति मार्ग तो आधा कल्प चलता आता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान तो सिर्फ एक ही संगम पर बाप आकर के समझाते हैं, एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से उनकी प्रलब्ध कितनी बड़ी मिलती है, 21 जन्मों के लिए उनकी प्रलब्ध मिलती है। भक्ति चलती आधा कल्प है, उनकी प्रलब्ध क्या मिलती है, दान पुण्य करो उसका कितनी प्रलब्ध मिलेंगी, एक जन्म भी पूरा नहीं समझो, उसमें भी कुछ समय ही होता है। तो बाबा कहते हैं ये एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हारी 21 जन्मों के लिए प्रलब्ध बनती हैं। ऐसे नहीं, ये ज्ञान ये नॉलेज कोई आधा कल्प चलता है, ये तो तुम समझाते हो कि ये नॉलेज अभी बाप आकर के देते हैं और विनाश के बाद फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। वहाँ है क्योंकि सत्युग में तो है ही सदगति वाले, उनों को तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है, तो इस समय संगम पर ही बाप आकर के देखो तुम बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते रहते हैं। तो इसलिए बच्चे बाप कहते हैं जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते ही रहेंगे, ये तो बड़ी मीठी नॉलेज है, ये योग भी तुम्हें अंत तक सीखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारे पर जन्म जन्मांतर के पापों का बहुत सिर पर बोझा है,
एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ती आई है, इसलिए तो अभी घोर अंधेरे में आ गई है। आत्मा में अनेक पुनर्जन्मों की मैल रहती है, खाद पड़ते पड़ते देखो कितने पत्ते तमो प्रधान बन गए हैं। ऐसे तमो प्रधान आत्मा भी जैसे मुलमे की, तो शरीर भी मुलमे का तमो प्रधान एकदम जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। उसमें भी खास भारतवासी और आम सभी धर्म नंबर वन, तो सभी बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। गाते रहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो फादर के साथ मदर भी तो चाहिए। मनुष्य तो समझते हैं फादर मदर किसको कहते हैं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा है एडम और ईव कौन, सरस्वती को ईव कहते हैं। वास्तव में ये रंग है, निराकार गॉड फादर है, तो उसको मदर भी जरूर होंगी, परंतु लोगों ने ईव तो जगदम्बा सरस्वती को कह दिया है। वास्तव में इस ये बात बड़ी मुख्य है समझने की, कौन सी, निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा के मुख से कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां सब मुझ बाप के शिव बाबा के बच्चे हो, तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा बाप भी है और फिर माता भी है, और शिव बाबा है सुप्रीम रूहानी बाप। स्थूल में फिर स्थूल में ब्रह्मा बाप होने के नाते, शरीर बाप का होने के नाते सरस्वती को निमित्त बनाया है, परंतु माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। देखो जगदम्बा पर कितना भारी मेला लगता है, ये तो हम सब की तो बात समझी हुई है ना, ये बात हम सब तो समझ रहे हैं, परंतु लोगों के लिए बड़ी आश्चर्य की बात है। जगदम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना बड़ा मेला आज नहीं लगता है, जगदम्बा का बहुत बड़ा मेला लगता है, क्योंकि माता का प्रभाव बड़ा हुआ है। मनुष्य तो कहते हैं स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु वास्तव में ऐसे है नहीं। बाप आकर के कहते हैं तो माताओं का मर्तबा बहुत ऊंच है, गवर्नमेंट भी देखो अभी माताओं को आगे रख रही है। अब वो तो है सब वायोलेंस हिंसक, और ये है नॉन वायोलेंस गुप्त शक्ति सेना, वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तो अनादि ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीत से रखना है, अच्छी रीत समझ करके बुद्धि में याद रखना है। ये तो सारा विश्व का बेहद का ड्रामा रिपीट हो रहा है। अभी बाबा कहते हैं जिस रीत बच्चों को सिखलाया जाता है कल्प के बाद, फिर भी ऐसे ही आकर के सिखलाऊंगा, ये सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप स्वयं ही कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। शुरू में
बाबा ने एक गीत बनाया था मम्मा के ऊपर, राधा 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 तू भाग्य विधाता, फिल्म ने हम आजाद कर, सुना है आशा में शुरू कर दी। मम्मा मम्मा गाती थी वो थोड़ी, इसकी थोड़ी कहानी तो और है, वो तो मैं अभी नहीं बता सकूंगी, परंतु वो गीत और बड़ा मम्मा बड़ा मजे से गाती थी। फिल्म ने हम आजाद करिंदों को बंधन में बांधा, कौन से बंधन में, फिल्म ने, जो हम आजाद थे मम्मा अज्ञान काल में इंडिपेंडेंट, और अब तो बाप की बनी, बाप के बनने से इस यज्ञ की जगत मामा बन गई और सारे यज्ञ के पालना की सेवा करती रही। ये गीत मम्मा बड़ा मजे से गाती थी। ये बात पर बात याद आ गई। अच्छा, बात चल रही थी, बाबा कहते हैं ये ड्रामा की बात, ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं। बाप स्वयं भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। दुख तो भारतवासियों को बहुत आते रहते हैं बाप, ऐसे थोड़े ही, दुख तो भारतवासियों को बहुत आते रहते हैं, तो ऐसे थोड़े ही बाप घड़ी घड़ी अवतार लेकर के उनको दुख से छुड़ाता रहेगा। बाप तो कहते हैं मैं एक ही बार आकर के सारी विश्व को दुखों से मुक्त करता हूँ, और जो मेरे बच्चे बनते हैं उनको विश्व का मालिक बना देता हूँ। परम धाम से मैं कल्प कल्प इस संगम युग पर ही आता हूँ, और ड्रामा अनुसार हर कल्प संगम युग पे आता हूँ। मनुष्य समझते हैं युगे युगे आता हूँ, परंतु एक ही बार संगम युग पर आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य, अभी तुम बच्चे ड्रामा के डायरेक्टर और इसमें मुख्य एक्टर्स कौन कौन है उनको अभी तुम बच्चे जानते हो। उसमें तो सृष्टि में तो या ड्रामा में जो नाटक बनाते हैं उसमें तो हद की बातें आती हैं, वो बताएंगे। अभी इस सृष्टि में सबसे शाहूकार कौन है, सारी सृष्टि में सबसे शाहूकार थे शाहूकार, और बाबा क्या बताते हैं सारी सृष्टि में तो क्या, सारे ड्रामा के अंदर सबसे शाहूकार में शाहूकार कौन, ये लक्ष्मी नारायण। 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान बन जाते हैं, ऐसा बाप कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हमारे जैसा, हम बच्चे कहते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्म के लिए संपत्तिवान कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि तुम बड़ी भारी सेवा करते हो। कौन सी सेवा, सारे विश्व को, कहने में पहले तो हम कहेंगे भारत की खास और विश्व की आम, सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। तो तुम सब हो सर्वेशन आर्मी। अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, ये भी ड्रामा है, समझाया जाता है। अब भारत का डूबा हुआ बेड़ा सैलवेज कौन करते हैं, तुम शिव शक्तियां, शिव शक्तियां और पांडव सेना। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने तो तुमको पतित बना दिया, फिर से मैं आकर के तुमको क्या बनाता हूँ,
वो ही पावन दुनिया का महाराजा महारानी बनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा तो है ये प्रवृत्ति मारे सन्यासियों का है, निवृत्ति मारे वो है हद का सन्यास, ये तुम्हारा है बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का सन्यास। बाबा कहते हैं आजकल तो दुनिया में बहुत झूठ करप्शन है, क्योंकि अब ये तो है रौर नर्क। अभी तुम बच्चे ईश्वरी बुद्धि से क्या बन रहे हो, तुम कहते हो हम तो शिव बाबा के ब्रह्मा के द्वारा आकर के बच्चे बने हैं, और शिव बाबा हमें फिर मनुष्य से देवता बना रहे हैं, हम फिर जाकर के देवता बनेंगे और आधा कल्प तक देवता, फिर क्षत्रिय, और फिर धीरे धीरे ड्रामा के चक्कर में पूरा चक्कर लगाते रहेंगे। अभी तो हम हैं ईश्वर के बच्चे, कल्प पहले भी ईश्वर के बच्चे थे, कितना फखर से, इतना नशा। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सदा रहना चाहिए। अभी है हम ईश्वर के बच्चे, बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम्हें सारी विश्व का राज मिलता है तो तुम्हें ईश्वर की मत पर तो पूरा पूरा चलना चाहिए। कल्प पहले भी हम ईश्वर के बच्चे थे, बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिला था, अब भी हमें बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। बाकी तो आज के दुनिया में वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव, और हम बच्चे हैं बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि, प्रभु से प्रीत बुद्धि, पांडव जिनों की जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शक्ति सेना, सुन रहे हो बाबा कितनी महिमा कर रहे हैं, कितना नशा चला रहे हैं, ऐसा नशा सारा दिन अंदर में खुशी का पारा चला रहे। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, इसमें गोप गोपियां दोनों ही हैं, भल नाम माताओं का करना है, क्यों कोनों को बहुत पीछे कर दिया था, इसलिए माताओं को ही तो बहुत सताया था। देखो द्रौपदी को ही नंगन किया ना। कहते हैं भगवान हमें नंगन होने से बचाओ, तो द्रौपदी ने पुकारा है, बाप आकर के बचाते हैं। देखो भगवान से तुम बच्चों को बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को सदा क्या करना चाहिए, सदा याद करना चाहिए शिव बाबा मीठा बाबा। बोलो क्या बोलेंगे, शिव बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, हम आपसे बेहद का वर्षा, बोलो पीछे क्या, जरूर लेंगे, वर्षा शिव बाबा से लेना है, इसलिए गाते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, वही जाने और न जाने को। तुम अभी अभी बाबा कहते अभी तुम बच्चे तो ईश्वर की गतमत को जानते हो, अब जब तुम बच्चे जानते हो तो तुम्हें ही फिर क्या करना है, ईश्वर का शो करना है। तुम अभी जानते हो,
तो ईश्वर की गत मत बच्चे जानते हैं, इसलिए फिर तुम बच्चों को ही ईश्वर का शो करना है। ये बच्चों को स्थाई सुख शांति का वर्षा बाप ही तो आकर के देते हैं। अल्पकाल की शांति नहीं, परंतु सदा काल की 21 जन्मों के लिए। हम तो कहते हैं पूरा कल्प ही हमें औरों से सुखी है। बच्चों को स्थाई सुख शांति का वर्षा बाप ही आकर के देते हैं। अल्पकाल की शांति तो कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो, जब माँ बाप कहते हो तो फिर अभी बच्चों को माँ बाप का शो करना चाहिए। फादर मदर, हमारे मदर फादर कौन है बच्चे बैच बताए। ये मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं, वो बैठ करके हमें वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से तुम्हें कितना ऊंचा वर्षा मिलता है। अब है कलयुग का अंत, अब कलयुग के अंत में ही तुम्हें बाप से ये बेहद का वर्षा मिलता है। तो अभी फिर बच्चों को बाबा कहते हैं सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर ने तो सन को तैयार कर दिया। अब बाप क्या कहते हैं बच्चों को? बाप तो सिर्फ कितनी सहज बात कहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, सदा याद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे पर सिर पर पापों का बोझा बहुत है। इसलिए याद करेंगे तो तुम्हारा ये बोझा, अनेक जन्मों का बोझा उतर जाएगा। इसलिए बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं बच्चे चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं बस हम तो शिव बाबा की संतान है, परंतु बाप कहते हैं बच्चे उठते बैठते अपने को देखो, चलते फिरते हम कितना याद करते हैं। अपना चार्ट रखो, क्योंकि मुख्य बात है ही याद की। इस याद की अग्नि से ही तुम्हारा अनेक जन्मों के पापों का बोझा कटेगा। विघ्न भी योग में बहुत पड़ेंगे, क्योंकि ये भारत का प्राचीन योग बड़ा मशहूर है। सन्यासियों का तो है हठ योग, ये है सहज राज योग। बाप ही आकर के सिखलाते हैं। वो हठ योगी सन्यासी तो भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत योग सिखलाते रहते हैं। वो है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय और किसकी भी याद न आवे। बस आत्मा को एक बाप को ही याद करना है, तभी तो तुम विक्रमाजीत बन सकेंगे। तुम्हें विक्रमाजीत और कोई नहीं बना सकता है। भल बाप कहते हैं जो भक्ति करते हैं, याद करते हैं, भावना का भारा तो अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन बनना, और कोई भी तुम्हें पतित से पावन नहीं बना सकते। देखो भगत भक्ति में कितना माथा मारते रहते हैं, फिर भी जा सकते हैं क्या मुक्ति धाम में? कोई भी ना मुक्ति धाम जा सकते हैं, ना निर्वाण धाम जा सकते हैं, कह करके अपने को खुश करते हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, हू बहू कलप पहले माफिक, 5000 वर्ष के पहले माफिक मैं फिर से आया हूँ, फिर से तुम सकी लदे बच्चों को आकर के मिला हूँ।
गाया हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। कौन सी आत्माएं अलग रही बहुकाल, कौन सी आत्माएं रही, कौन सी बोलो सभी। हम आत्माएं जो देवी देवताएं थी उनको ही पहले आना है, सृष्टि के आदि में हम ही पहली आत्माएं थी, पूरा कलब का चक्कर लगा के अब हमें ही पहले आना है। अब तो अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना, जब स्थापना हो जाएंगी तो फिर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म शुरू हो जाएगा, उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं रहेगा। अभी फिर से बाबा हमें याद दिलाते हैं, बच्चे अभी तुम तो हो मेरे शकील अधे बच्चे। बाप तुम्हें कहते हैं, हे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, पहले पहले तुम सिकील दे, फिर पहले बाबा कहते हैं, कहते हैं ना मीठे मीठे सिकील दे, तो बाबा कहते हैं पहले सिकील दे शब्द आता है, फिर कहते हैं चक्रधारी। मनुष्य कहेंगे ये स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही तो ये अलंकार दिया हुआ है स्वदर्शन चक्र। मनुष्य तो सब अपनी अपनी कल्पना की बातें करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो इस मीठे झार का देवता, देवता धर्म इस मीठे झार का अभी सैपलिंग लग रहा है। अब तुम बच्चों को विदेश में भी जाकर के यही नाले देनी है कि हमारा, उन्हों को ये कह सकते हो तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है। अगर फादर है तो जरूर मदर भी तो होंगी। अभी बाप आए हुए हैं वह सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है, इसलिए मिलेगा उनको। किसको मिलेगा? बाबा कहते हैं जो कायदे से बाप को याद करेगा। मनुष्य तो बेचारे ओ गॉड फादर कहते रहते हैं, एक तरफ है कहते हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी कहने से कैसे वो मिलेगा, इसलिए रंग हो जाता है। रंग होने के कारण उन्हों को बाप से वर्षा मिलता ही नहीं है। और अभी तुम बच्चों ने यथारत बाप को जाना है, इसलिए बाप से वर्षा लेने के अधिकारी बन गए हो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों, प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर से मुरली का सार मुख्य दो पॉइंट्स में, धारणा युक्त विक्रमाजीत बनने के लिए आया। याद बाबा ने क्या कहा है, विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। अभी मैं पूछती नहीं हूँ कौन लिखता है,
अपनी दूसरी पॉइंट याद का चार्ज जरूर रखना है। अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में, अब विनाश काल में गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं विनाश काल में प्रीत बुद्धि, बाप की प्रीत बुद्धि बनकर रहना है और बाप की सिखाई हुई ये रूहानी सेवा करते रहना है। आज का वरदान अभी मुरली संपन्न होने के बाद हम 3 मिनट योग में बैठेंगे, उसके बाद उठना है। और कुमारियां बैठी, अच्छा भोग है, देखो चलते चलते भोग ही भूल गया, तो अभी तो कोई उठेगा ही नहीं, भोग पर बैठे रहेंगे, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। परंतु भोग शुरू हो जाए, गीत बज जाए, तब जाना। मतलब एक गीत तो कंप्लीट बज जाए, फिर धीरे धीरे पीछे से उठना शुरू करना। अभी आज का वरदान, कुमारियों को तो बैठना ही है, जब तक संदेशी आए तब तक डायरेक्शन सुना देना। जो भी वायदे, वायदों की स्मृति द्वारा आज का वरदान, वायदों की स्मृति द्वारा, बाबा से वायदे किए हैं ना समय समय पर, हाथ उठाओ जिन्होंने समय समय पर वायदे किए हैं। कोई भी, सभी को उठाना चाहिए। बाबा ने कितना बार, हम लोगों को तो बाबा ने कितना बार, और एक बार वैसे तो लिखाते थे बीच बीच में, एक बार 108 बार अपना निश्चय पत्र लिखो, क्या समझते हो? अभी अगर किस दिया जाए तो कितना कितनी बातें बताएंगे। अगर अभी दिया जाए 108 बार अपना निश्चय पत्र लिखो तो कितनी बातें बताएंगे कि ये बात हमारे से हटा दी जाए। बाबा ने हमारे से समय समय पर तो लिखते ही थे, फिर भी एक बार 108 बार निश्चय पत्र अपना लिखो। और निश्चय में अलग अलग बात, एक ही बात नहीं, बस एक ही याद कर दो और सब में लिखते जाओ लिखते जाओ, अलग अलग लिखो। कितनी कितनी बातें याद आई होंगी, कितने निश्चय की परपक्ता, जिससे भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न रीति से, महिमा से बाबा के हम बोल निश्चय पत्र लिखते रहे। अच्छा, आज का वरदान, वायदों की स्मृति द्वारा। मैं तो समझती हूँ टीचर्स बहनों को ये याद रहना चाहिए, बीच बीच में स्टूडेंट से थोड़ा थोड़ा ये निश्चय की बात लिखाना जरूरी है, क्या समझते हो आशा बहन, टीचर्स बहने? ऐसी ऐसी बातें जिसमें फाउंडेशन पक्का हो जाए तो समय पर उनको समझाना भी सहज रहता है। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप के ब्लेसिंग के पात्र भव, ये याद रख दो, सदा बाप के ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिखकर करते हो उन्हें स्मृति में रखो। आगे तो ये कंपलसरी होता था, क्योंकि जैसे हम समझाने के लिए पहले फॉर्म भराते थे, जब समझ करके साधन का कोर्स करके आगे चलना शुरू करते थे तब फिर निश्चय पत्र अच्छी रीति से लिखाते थे, पूरी रीति से। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिखकर करते हो, भोग लगाने वाले, भोग रखने वाले अपनी तैयारी शुरू कर दो। जो भी वायदे मन से, भोग बोल से अथवा लिख करके करते हो उन्हें स्मृति में रखो,
तो वायदे का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कितने बार वायदे किए हैं और वो कितना निभाया है। वायदे को निभाने से फायदा ही है, वायदा कराया जाता है फायदे के लिए। याद रहेगा तो फायदा ही फायदा होगा। कायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप के द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्य जितना हम याद रखेंगे तो ये नेचुरल याद हमारी बनती जाएंगी। जैसे जैसे श्रेष्ठ संकल्प करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जब तक आवे तब तक सुना सकती हो डायरेक्शंस, अगर देना हो तो। वायदा श्रेष्ठ करते हो, इन दोनों का बैलेंस, वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप के द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सदा सफलता मूर्त बने रहेंगे। आज का स्लोगन, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। ओ